गुजरात में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पहले चरण का जो मतदान है 1 दिसंबर को है, दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को है और नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। गुजरात की राजनीति में बहुत लंबे समय बाद ऐसा हो रहा है, करीब 4 दशक बाद, कि जो बाइपोलर पॉलिटिक्स थी उस पॉलिटिक्स को एक तीसरी ताकत चुनौती देने की कोशिश कर रही है और वो आम आदमी पार्टी है। हम बीबीसी हिंदी के साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया साहब हैं। इटालिया साहब, आप तो एकदम नौजवान हैं, आपकी उम्र कितनी हो रही है? 33। 33। तो एक नौजवान को गुजरात की कमान मिली है और उस पार्टी को आपको हराने की जिम्मेदारी दी गई है, जो पार्टी यहाँ पर 1995 से कभी चुनाव हारी नहीं है। बड़ी चुनौती है आपके लिए। बड़ी चुनौती है, इसीलिए तो लड़ रहे हैं। अगर आसान काम होता तो हमारे से पहले बहुत सारे लोग राजनीति में कर लेते। तो बड़ा टास्क है, बड़ी चैलेंज है, इसीलिए हम युवाओं के कंधे पे ये जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि युवा जो चाहता है, जो करता है, वो होता ही है। आप पॉलिटिक्स में आने से पहले क्या करते थे? मैं सरकारी नौकरी करता क्या था, किस मैं कौन पुलिस था, यहाँ अहमदाबाद में कांस्टेबल था। कांस्टेबल थे आप? हाँ, कांस्टेबल, कब तक था? कब से कब तक आपने? 2012 से लेके 15 एंड तक। 2012 से 15 एंड तक। तो आपकी जब शादी हुई तो कांस्टेबल रहते ही हुई या फिर छोड़ मेरी तो दिए? अभी 2 साल पहले हुई। तो उसके एक्टिंग में आप कब आए फिर? कौन सा? आपने एक गुजराती फिल्म भी की है तो कांस्टेबल की नौकरी तो वो छोड़। तो एक दोस्त था, उसने बना लिया तो बोला कि कोई छोटा मोटा रोल कर लो। हमने, शौक था, कर लिया जा, वो तो मेरा काम ही नहीं है। तो कांस्टेबल रहते हुए आपने नहीं नौकरी नहीं नहीं ली। था तब नहीं, उसके बाद में तो आपके घर से मतलब प्रेशर था कि कोई नौकरी लो, तभी तो आपने कांस्टेबल की नौकरी ज्वाइन की घर होगी। से प्रेशर क्या, पूरे देश में सब लोग चाहते हैं कि उसको मैं एक आपके अच्छी फैमिली सी बैकग्राउंड को थोड़ा जाने, आर्थिक पृष्ठभूमि आपकी कैसी है? आर्थिक। तो मैं बहुत गरीब हूँ आज की तारीख में भी, सब आपके पिताजी क्या गरीब। करते मेरे हैं? पिता नहीं है, अच्छा, पिताजी की आपकी डेथ हो गई है। डेट नहीं हुए, वो मेरी माँ और पिताजी का डाइवोर्स हो चुका है। अच्छा, तो अलग अलग है दोनों। तो घर का मतलब कैसे है? इकोनॉमिक सिचुएशन मतलब कैसे? इकोनॉमिक तो बहुत अभी भी तभी भी खराब है, तो क्या बताए, इसमें कुछ है ही तो नहीं है। आप जब नौकरी ज्वाइन किए होंगे तो आपके घर के लिए तो खुशी की बात रही होगी कि मतलब चलो कुछ आर्थिक तंगी कम होगी। तो खुशी की बात तो थी। आपने नौकरी छोड़ी होगी तो माँ तो गुस्सा बड़े गुस्सा हुई होंगी। होगी। गुजरात में कांग्रेस की स्पेस हासिल करेंगे या फिर बीजेपी की स्पेस हासिल हम करेंगे? जनता के दिल में स्पेस हासिल करेंगे। कांग्रेस बीजेपी तो चलता रहेगा, अगर जनता के दिल में जितनी भी जगह बनती आई है, बन रही है, वो जगह तो परमानेंट रहेगी। तो हमारा पूरा मोटा फोकस है कि दिल में जगह लेना है, उनके जो उनकी जो पीड़ा है उनको सुनना, समझना है, जनता की ये तो हर समस्या कोई को। वादा करता है। हर कोई करते लेकिन होता नहीं है ना, तो इसीलिए हम जो कहते हैं वो होता है। जनता का भरोसा केजरीवाल पे और आम आदमी पार्टी पे इसलिए है कि केजरीवाल जो बोलते हैं वो करते हैं, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, ऐसा चाहे तो नहीं है स्कूल कि हो। केजरीवाल जो बोलते हैं वो करते हैं। किसी को नहीं लगता है तो वो मैं कुछ उनका एग्जांपल दूं आपको, दे दीजिए, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बुरा मानेंगे नहीं मानेंगे तो उसका तो कोई मतलब नहीं। आप एग्जाम्पल दे दीजिए मैं पहला अगर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जब केजरीवाल जी दिल्ली में पहली बार चुनाव लड़े, उन्होंने कहा कि कसम खा के कहा कि मैं कांग्रेस से अलायंस नहीं करूँगा। कांग्रेस उन्होंने अलायंस किया, पहली बार उन्होंने कसम तोड़ी। ऐसे कई ऐसे उनके स्टेटमेंट है जो उन्होंने कहा और यू टर्न लिया। पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब आप ये वादा करते हैं कि केजरीवाल जो कहते हैं वही करते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, उन्होंने बोला था बिजली फ्री देंगे, अगर नहीं दिया तो बताइए आप, नहीं दिया। फ्री नहीं दे रहे हैं, 200 यूनिट तक हाँ फ्री तो दे रहे 200 हैं। यूनिट ही, मतलब 200 यूनिट फ्री कौन दे रहा है और कौन दे रहा आप लोग किस सेकुलर क्रेडेंशियल पे भी सवाल लोग उठाते हैं। अभी जैसे अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि जो नोट है उस पे लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति होनी चाहिए। कई लोगों का कहना है कि यह देश धर्मनिरपेक्ष है, वहां की जो करेंसी है उस पर गांधी की फोटो लगी हुई है, आप किसी मजहब के देवी देवता या आराध्य की तस्वीर लगाएंगे तो भारत की जो धर्मनिरपेक्षता की जो जड़ें हैं उस पर आप चोट करेंगे। नहीं तो अगर भगवान का आशीर्वाद सबको मिले और इस देश में भगवान की कृपा बनी रहे तो इसमें दिक्कत क्या है, किस चीज़ की दिक्कत है, क्यों प्रॉब्लम तो है? सबके अलग अलग भगवान हैं ना, मुसलमानों के सबके अलग हैं सबके आराध्य। भगवान अलग अलग है, सब अपना अपना मानते हैं, लेकिन अगर गणेश जी की मूर्ति लगेगी तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगा, देश पे लेकिन पहाड़ क्यों लेकिन इससे कोई टूटेंगे? मुसलमान क्यों सहमत होगा कि आप नहीं नोट पे? देखो, ये डाइवर्सिटी का देश है तो सब अपने अपने भगवान को मानते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मतलब कोई बड़ा हंगामा हो गया। भाई भगवान का आशीर्वाद अगर देश को मिलने जा रहा है, चाहे गणेश जी का मिले, चाहे लक्ष्मी जी का मिले, आपको तो गोपाल क्या पता है तकलीफ। कि ये देश बहुत ही विविध है। यहाँ पे नास्तिक लोग भी हैं, आस्तिक सब है, लोग भी सब हैं, है। मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन के, सबके अपने अपने आराध्य हैं। तो आप किसी एक खास मजहब की आराध्य को नोट पर जगह देंगे तो आपको लगता है कि ये सही है? भगवान का आशीर्वाद सबको मिले वो मुझे सही लगता है, मिलना चाहिए सबका, सबको भगवान का आशीर्वाद मिलना चाहिए, बस यही बात है।
तो फिर आप फिर कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी किसी को एक, आप तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी सब लिखा है, भगवान का आशीर्वाद क्यों नहीं मिलना है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको इधर से घुमा के फिरा के ये हो गया, मतलब देश में यही एक चीज बची, अगर हम अच्छे भाव से, अच्छे भाव से, हाँ तो हम अच्छे भाव से ये कह रहे हैं कि भाई एक भगवान का आशीर्वाद सबको मिलना चाहिए, तो इसमें क्यों इतने सारे सवाल उठाए जा रहे हैं? सिंपली इसको एक्सेप्ट कर लो, भगवान के आशीर्वाद मिले सबको। भगवान की जिस कृपा की आप बात कर रहे हैं, ओपेक प्लस जो तेल उत्पादन करने वाले जो देश हैं, ओपेक है, वहां पे वो आपके भगवान के आशीर्वाद की वजह से वो तेल की कीमत कम कर देंगे? देखो वो और मैं इतने बड़े स्तर का नेता नहीं हूँ कि अंतरराष्ट्रीय, आप एक स्टेट को डील कर रहे हैं। मैं स्टेट का हूँ ना, मैं भारत का, इंटरनल पॉलिसी से नहीं चलती है, एक्सटर्नल चीजें भी कई चीजें सब चलता है, लेकिन मेरा अभी कद और पद ये नहीं है कि मैं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पे अपना बड़ा बड़ा ज्ञान दूं। मेरा ज्ञान सिर्फ गुजरात तक सीमित है, क्योंकि मतलब मैं बस ये कह रहा हूँ कि भगवान के आशीर्वाद से क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमत कम हो जाएगी? भगवान के आशीर्वाद से तो पूरी दुनिया चलती है। आप महंगाई की बात करें, महंगाई है, बेरोजगारी की बात करें, बेरोजगारी है, युवाओं में बेकारी है, एजुकेशन को दुरुस्त करने की जरूरत है, लेकिन एक समस्या का आप जिक्र नहीं कर रहे हैं, या आप हो सकता है जानबूझ कर बच रहे हैं, सांप्रदायिकता की आप बात नहीं करते हैं। सांप्रदायिकता की समस्या है कि नहीं? सांप्रदायिकता का ठेका तो बीजेपी को दे रखा है, उनके बारे में तो आरोप लगता है कि वो सांप्रदायिकता को हवा देते हैं, आप तो उसको काउंटर करेंगे ना? हम तो महंगाई को काउंटर करने का क्या प्लान है आपका? हमारा देखिए, अगर रिलीजियस पोलराइजेशन लोग करते हैं, मजहब के आधार पर लोगों को गोलबंद करते हैं, उसको काउंटर करने के लिए एक जिम्मेदार पार्टी के रूप में आप कैसे उसको अदा करेंगे? देखो हमारा सिंपल सा फंडा है कि हम जनता के रोजमर्रा की जो जीवन है उसको इम्प्रूव करेंगे। जब तक जनता को आप कमज़ोर रखोगे, जनता को आप अनपढ़ रखोगे, अच्छी शिक्षा नहीं दोगे, अच्छे आगे बढ़ने का मौका नहीं दोगे, तब तक ये सांप्रदायिक चीज़ें चलती रहेगी। पढ़ाई, शिक्षा, सेहत, क्या उस पढ़ाई में ये सवाल नहीं आता है कि किसी का गैंगरेप हुआ और उसके बलात्कारियों को रिहा कर दिया गया, रिहा किए गए बलात्कारियों पर सवाल उठाना क्या ये पढ़ाई का हिस्सा नहीं है? क्या ये पढ़ाई से अलग है? क्या इतनी हिम्मत किसी में नहीं होनी चाहिए? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस चीज़ का, क्योंकि ये गुजरात का मुद्दा, हाँ गुजरात का मुद्दा है, मैं मानता हूँ सब चीज़ ठीक है, लेकिन क्या गुजरात के 6 करोड़ लोग जो बेरोजगारी से, महंगाई से जूझ रहे हैं, उनसे आप ये कहोगे कि भाई आप किताब की बात कर लो कि किताब में क्या है क्या नहीं है? भाई किताब की बात आपको लग रही है? नहीं, आपने बोला कि किताब में ये पढ़ाया जाएगा तो नहीं, नहीं, मैं तो कहा नहीं पढ़ाया, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर दिया गया, एक महिला के साथ कितना भयावह हो, तो हमने तो कहा ना कि बलात्कार बहुत जघन्य अपराध है, बलात्कार की कोई माफी नहीं होनी चाहिए, सजा होनी ही चाहिए, इससे और क्या कर दे? जिनको रिहा किया गया उनको तो उनको नहीं करना चाहिए ना, और क्या बताए? अब उसको मैं गला घोंट के मार दूं? हम कह रहे हैं ना कि बलात्कारियों को सजा मिलनी चाहिए, माफी नहीं मिलनी चाहिए, बलात्कार रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम है, इससे आगे और क्या कहेंगे? और क्या आपकी कहेंगे? पार्टी बच रही है इस पर बोल, अरे क्या मैं अभी बोला इससे और क्या मैं गला घोंट के मार दूं उसको? नहीं, आप क्यों मारेंगे? अरे तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ कि बलात्कार रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम है, माफी नहीं मिलना चाहिए, और क्या करेंगे बताइए आप? मैं बच कैसे गया? मैं कैसे बच लिया? इतना ओपनली बोल रहा हूँ, अगेंस्ट में है कि पूछा गया था? अरे तो इतने सारे नेता है आप, मतलब सबका गला दबा दबा के पूछोगे कि भाई ये करो वो? मैं बोल रहा हूँ, मैं पार्टी का आदमी हूँ, पार्टी के अध्यक्ष हैं आप। हाँ तो मैं बोल दिया ना, मैंने बताया कैमरे के सामने, अब कैसे बच के निकल गए? गलत मानते हैं? नहीं, गलत चलत की बात ही नहीं है, मैंने बोल दिया ना कि बलात्कार, तो आपको दुख तो हुआ होगा ना कि किसी बलात्कार पे तो सबको दुख होता है, बलात्कार से कौन खुश है? कौन खुश है? मैं कैसे खुश होगा? वही तो, बलात्कार जब होता है तो सब लोग दुखी होते हैं, मैं भी दुखी होता हूँ, इसमें कोई नई बात ही नहीं है। उसमें भी बलात्कारियों को रिहा किया जाना तो और दुखद है। अरे तो एक ही बात आप कितनी बार बुलवाओगे?